दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। देर रात वो अहमदाबाद पहुंचे, वहां वो 3 वैक्सीनेशन सेंटरों का दौरा करेंगे। टीकाकरण केंद्रों पर जाने का मकसद लोगों को गुजरात सरकार के बड़े टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार का ये अभियान आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें, अमित शाह आज 2 फ्लाईओवर और रेलवे ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो एक नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। चाचा पारस पासवान और भतीजे चिराग पासवान के बीच मचा सियासी घमासान अब पार्टी के कमरों से निकलकर सरेआम हो गया है। चाचा पशुपति कुमार पारस समेत कई नेताओं की बगावत का सामना कर रहे एलजेपी नेता चिराग पासवान ने अब इमोशनल कार्ड खेलने का इरादा किया है। कुछ दिन पहले ही चाचा की हरकत को लेकर उन्होंने कहा था कि वो पिता की मौत के बाद अनाथ नहीं हुए थे, लेकिन वक्त के साथ हालात भी करवट बदलने लगे हैं। लिहाजा चिराग पासवान ने रविवार को कहा कि वो अपने दल बल के साथ पूरे बिहार में 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। असल में चारों तरफ से अकेलेपन से घिरे चिराग पासवान का ये इकलौता दांव है, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि सियासी गलियारों में वो कैसे टिक पाएंगे। चाचा भतीजे के बीच सियासी जंग, चाचा को भतीजे ने दिखाई ताकत, चाचा से आर पार के मूड में चिराग, चाचा भतीजे में शुरू पोस्टर युद्ध, एक्शन में दिखे चिराग पासवान। चिराग ने पार्टी नेताओं को शपथ दिलाई, मैं शपथ देता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। देश भर में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है और इन बरसते हुए बादलों ने तपिश से राहत देकर खुशनुमा मौसम का एहसास देना शुरू कर दिया है, लेकिन सियासी पार्टियों में मॉनसून की बरसात का कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा। बल्कि आलम तो ये है बादलों में पैदा होने वाली बिजली की चमक और उमस का एहसास सियासी गलियारों में जरूर नजर आ रहा है। ताज़ा सबूत है लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP, क्योंकि इस पार्टी का मौसम पूरी तरह से बिगड़ चुका है और माहौल में अजीब सी बेचैनी नजर आने लगी है। LJP अब 2 धड़ों में टूटी दिखाई दे रही है। एक तरफ है लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके समर्थक, जबकि दूसरा धड़ा हाजीपुर के मौजूदा सांसद और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस। पार्टी की सियासत की तासीर कुछ ऐसी बनी कि चाचा और भतीजे दोनों गुटों के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर तलवारें खिंच गई हैं और दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत दिखाने को आमादा हैं। अपनी आंखों के सामने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के हाथों से बनाई गई LJP पार्टी में 2 फाड़ देख चिराग पासवान बेहद परेशान है। चाचा पशुपति पारस ने बगावत करके चिराग को पार्टी से बाहर कर दिया। ऐसे में अब चिराग अपने चाचा की सियासी साजिशों का तोड़ निकालने के लिए दनादन बैठकें कर रहे हैं और फैसले भी कर रहे हैं। रविवार की सुबह ही चिराग पासवान ने अपने गुट के नेताओं के साथ एक बैठक की। किसी भी महाभारत में जीत मुझे लगता है सिर्फ सच्चाई की होती है, और जो सच्चा होगा, जो ऑनेस्ट होगा, उसी की जीत होगी। मेरा विश्वास, मेरे तमाम साथियों का विश्वास हमें अपने ऊपर है कि जिस सच्चाई के साथ हम लोग पापा की बनाई हुई इस पार्टी को आगे लेकर जाने का हम लोग कार्य कर रहे थे, बिना उनके सिद्धांतों के साथ कोई समझौता किए हुए। दिल्ली में चिराग पासवान ने अपने गुट के नेताओं को बुलाकर अपने चाचा को अपनी ताकत का एहसास कराने का दांव चला। दिल्ली में चिराग पासवान के आवाज 12 जनपद के बाहर उनके समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टरों की भरमार कर दी और समर्थन में नारे लगाकर अपनी आवाज भी बुलंद कर दी। पोस्टरों से अटा पड़ा है उनके आवास के बाहर का जो पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं। आज से पहले यानी कल तक यहाँ सिर्फ पुराने पोस्टर 2-3 लगे हुए थे होली के, लेकिन आप देख सकते हैं कितने पोस्टर लग गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर अलग अलग नेताओं की तरफ से। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान के घर से बाहर आई तस्वीरों ने इस मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अपने गुट की सदस्यों की वफादारी बनाए रखने और उसे जगजाहिर करने के लिए चिराग पासवान ने रविवार की कार्यकारिणी की बैठक से पहले बैठक में आए सभी सदस्यों को पार्टी संविधान की शपथ दिलाई। ये कसम इस बात की थी कि ये सब लोग मिलकर रामविलास पासवान की बनाई गई पार्टी को
हर हाल में सुरक्षित रखेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। इसके बाद इस बैठक में जो कुछ भी हुआ वो और भी ज्यादा दिलचस्प रहा। तय हुआ कि चिराग अपने चाचा को घेरने और पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष के मूड में हैं। एलजेपी में बगावत के बाद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। मुझे गर्व है कि देश भर में, दुनिया भर में हाजीपुर को पिताजी की वजह से और पिताजी को भी हाजीपुर की वजह से, क्योंकि दो दो बार उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने वहीं से बनाया और उन्हीं की वजह से हाजीपुर की पहचान और उनकी पहचान हाजीपुर से बनी। तो इसीलिए उनकी कर्मभूमि होने की वजह से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हाजीपुर से करने का मैंने फैसला। इससे पहले शनिवार शाम को अपने हक की आवाज उठाते हुए चिराग पासवान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचे और उनके सामने अपना पक्ष रखा। हालांकि सच ये भी है कि ओम बिरला पिछले हफ्ते ही पशुपति पारस को लोकसभा में जन शक्ति पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। चिराग पासवान ने इस पर भी अपनी नाराजगी ओम बिरला के सामने जाहिर कर दी। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से निलंबित सांसदों को, में से एक सांसद और मेरे चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जिस तरीके से उन्होंने सदन में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता उन्होंने स्वीकृत किया है, ये गैर कानूनी है, ये गलत है, ये हमारी पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। जाहिर है कि ये एक ऐसी सियासी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के साथ है और लड़ाई की बात जब लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंच चुकी हो तो जरा लोकसभा में भी इस पार्टी की मौजूदा हैसियत और सूरत हाल पर भी नजर डालना लाजमी हो जाता है। लोकसभा में इस पार्टी के 6 सांसद हैं और इनमें से 5 पारस को अपना नेता मान चुके हैं। पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति पारस ने पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नई अस्थायी समिति बना दी है। पशुपति पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए सदस्यों की नियुक्ति की है। महबूब अली कैसर और वीणा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बंट चुकी है। चाचा भतीजे के बीच पार्टी पर वर्चस्व को लेकर लड़ाई जारी है और इस बीच चिराग पासवान ने फैसला किया कि वो सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे। 5 जुलाई से हाजीपुर से उन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है और हाजीपुर से पशुपति पारस सांसद तो हैं ही, ये रामविलास पासवान की कर्मभूमि भी रही है। अभिनय के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा चुके चिराग पासवान को मालूम है कि फिल्म तभी कामयाब होगी जब स्क्रिप्ट के साथ साथ प्रोडक्शन भी दमदार हो, यानी पिक्चर अभी बाकी है। उधर पशुपति पारस ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव को सही ठहराया है। पार्टी के संविधान का हवाला देकर पारस ने कहा कि चिराग पासवान न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और न ही संसदीय दल के नेता। पैरों के नीचे से जमीन खिसकने के बाद भी चिराग हार मानने को तैयार नहीं है और सूत्रों की माने तो चिराग का ये आखिरी दांव है। अगर अब भी पार्टी में चाचा के सामने उनकी दाल ना गली तो चिराग सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता देख रहे हैं।